आओ सीखे और सिखलाए, मिलके सोचे और समझाए, सभी देखें, सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम विद डेलिया। स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम विद डेलिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट एलिया और स्टोरी टाइम में आप सबको खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, सेफ होंगे और इसके साथ ही साथ हमारा प्रोग्राम बाकायदगी के साथ देख रहे होंगे और इसमें दिए गए मॉरल लेसन को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर रहे होंगे। तो आज भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प सी कहानी, जिसमें होगा एक नया मॉरल लेसन और एक नई कहानी के साथ हम फिर हाजिर हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अपने शो में मौजूद बच्चों से मिलना है जो हमारा प्रोग्राम बकायदी के साथ देखते हैं और उसको बहुत पसंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। और हमारी स्टोरीज देख रहे हैं बकायदी? यस। वेरी गुड। तो आप पहले अपना तारुफ करवाएं, अपना नाम बताएं। हादिया। हादिया, हादिया कौन सी क्लास में आप? थ्री। थ्री क्लास में है, वेरी गुड। आपका क्या नाम है? दुआ। दुआ नाम है, वाह जी वाह, आपने तो बहुत प्यारा सा मेकअप किया हुआ है, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। दुआ आप कौन सी क्लास में? वन क्लास में। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ। मैथ आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। और स्टोरी आप हमारी रोज़ देख रही हैं? यस। और आप बताएं, आपकी तो ड्रेसिंग ही बड़ी कमाल की लग रही है, बड़े आप हीरो से बन के आए हैं। क्या नाम है आपका? सलमान अली। सलमान? सलमान अली। अच्छा, फरमान। फरमान आपका कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? थ्री। आप में से आप बताएं, आपको कोई पोइम आती है? यस। कौन सी आती है? हादिया सुनाएगी हमें पोइम। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अबव द स्टार हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग हमारे प्रोग्राम में हैं तो हमारे साथ रहें, हम आपको स्टोरी सुनाएंगे और बबलू से गपशप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बबलू। वालेकुम अस्सलाम। आप बहुत खामोश हैं, आपकी तो आज आवाज ही नहीं आ रही। अरे मैं भी देख रहा था बच्चे क्या कर रहे हैं, उनका तारुफ सुन रहा था। हाँ जी, देखिए कितने अच्छे अच्छे बच्चे आए हैं और फरमान की ड्रेसिंग देखें कितनी। अरे फरमान तो लगते हैं शादी भी आए। फरमान आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही है आपकी ड्रेसिंग। पर बबलू आप बताएं भाई, आपके कोई वाकया शाकया कोई आज कुछ भी नहीं हुआ मुझे लग रहा है आपके साथ में। सबसे पोएम सुनी, मुझसे तो सुनती नहीं है ना। अच्छा भाई आप सुना दें, आप तो हमेशा नाराज ही रहते हैं। बबलू आप पोएम सुना दें आज हमें अच्छी सी। ठीक है बच्चों, पोएम सुने बबलू से। यस। चलें बबलू पोएम सुनाएं। देखो बच्चों, हाथी आया, लंबी लंबी आंखों वाला, छोटे छोटे कानों वाला है। बबलू ये कौन सा हाथी आ गया जो आपके ख्वाबों में आ गए, जिसके आंखें बड़ी हो गई और कान छोटे हो गए? अरे बाजी ऐसे ही थी। नहीं जी, ये पोइम नहीं है बबलू। पोइम तो अगर आपने हाथी देखा है ना बच्चों, आप लोगों ने हाथी देखा? यस। कैसा होता है हाथी? हाथी के कान बड़े होते हैं। बड़े होते हैं। और किससे पानी पीता है वो? सूंड से। सूंड से पानी पीता है, बड़ी सी उसकी सूंड होती है और उससे पानी पीता है। वो क्या कह रहा है, बड़ी बड़ी आंखों वाला, छोटे छोटे कान वाला। बबलू सबसे पहले ना आप जाके हाथी को देख लें, अपनी इन्फॉर्मेशन को जरा इंक्रीज कर लें, फिर बात कीजिएगा। आप मुझे ये बताएं आप बड़े होकर क्या बनेंगे, पहले बात सारी छोड़ें। अरे बाजी मैं ना बड़ा होके बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा। बहुत बड़ा डॉक्टर क्या मतलब? जी मैं सबका इलाज करूंगा, इतना बड़ा डॉक्टर बनूंगा, ज्यादा सारे पैसे लूंगा। पैसे लूंगा और इलाज करूंगा, वेरी गुड। इलाज करना तो अच्छी बात है पैसों के लिए, लेकिन इलाज करना ये अच्छी बात नहीं है बबलू। और बड़ा डॉक्टर क्या मतलब बनना है ये भी मुझे वैसे समझ नहीं आई है, लेकिन हम अपने बच्चों से पूछते हैं वो बड़े होके क्या बनेंगे। हादिया आप बताएं क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगी बड़े होके? तो किसका इलाज करेंगी, क्या इलाज, कोई कोई स्पेशलिटी? आईज की डॉक्टर बनेंगी या किसी और चीज़ की? होते हैं ना मुख्तलिफ डॉक्टर, तो कोई खास चीज़ बनना चाहती हैं? बस डॉक्टर बनना है। डॉक्टर, डॉक्टर ही बस बनना है। और दुआ आप बड़ी होके क्या बनेंगी? पुलिस वाली बनेंगी, वाह जी वाह। फिर आप तो हमें बहुत हम पे सख्ती करेंगी, ऐसा करेंगी क्या? कैसे बनेंगी पुलिस वाली, अच्छी वाली बनेंगी या गुस्से वाली बनेंगी? अच्छी वाली बनेंगी, सब चोरों को आज़ाद कर देंगी, सब चोरों को आज़ाद कर देंगी। वेरी गुड, फिर तो हमारे मुल्क का बच्चों बहुत अच्छा हाल होने वाला है अगर दुआ हमारे मुल्क में पुलिस वाली लग गई। फरमान आप क्या बनेंगे बड़े होके? फौजी। वाह जी वाह, किसको देखे, कोई है फौजी आपके इर्द गिर्द? कैसे होते हैं फौजी? हम बिना कपड़े पहनते हैं और क्या मैं शूट पहनते हैं।
अच्छा जी बच्चा, मैंने आज इस बच्चों से सवाल पूछा है और बबलू से जो सवाल पूछा है वो आपसे भी सवाल है कि आप बड़ों के क्या बनना चाहते हैं। तो आपने अपना फीडबैक लाजमी देना और मुझे बताना है कि आप बड़ों के क्या बनने चाहते हैं, क्योंकि मेरी आज जो कहानी है वो इसी से कुछ रिलेटेड है। जैसे मैंने फरमान से पूछा कि फौजी क्या होते हैं, तो ये बच्चों की हमेशा से ये ऐसी होती है, जब मैं छोटी थी तो मैं भी ये सोचती थी कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी, अगर कोई अच्छी कोई खूबसूरत कोई प्यारी सी ड्रेसिंग वाली टीचर आ जाती थी तो मैं सोचती थी मैं टीचर बनूंगी। मैंने आज से सोच लिया कि मैंने टीचर ही बनना है। तो घर जाती थी, घर जाके कुछ और देखती थी तो वो बनने का दिल करता था। तो बच्चों के माइंड ऐसे ही होते हैं, वो डे बाई डे चेंज होते रहते हैं, कुछ ना कुछ उन्हें बनना होता ही है। क्योंकि छोटे होते हैं जब बच्चे, तो उन्हें अपनी सलाहियत का अपनी एबिलिटीज़ का पता नहीं होता कि उन्हें क्या बनना है, लेकिन जैसे ही वो बड़े होते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये बन सकते हैं, वो ये सलाहियत उनके अंदर है और ये काम वो कर सकते हैं। लेकिन बाजी बड़े होके तो फिर वो कैसे और बड़े होंगे? बड़े होके वो और बड़े नहीं होंगे, लेकिन उन्हें पता चल जाता है कि अब उन्होंने ये कर लिया है, ये उनके पास एजुकेशन है और वो इस फील्ड को चूज कर सकते हैं। जैसे बच्चों मैंने अभी फरमान से पूछा था ना बबलू कि उसको क्या बनना है, तो उसने कहा फौजी बनना है। तो उसको ये पता नहीं था कि फौजी क्या होते हैं, बॉर्डर्स पे होते हैं, हिफाजत कर रहे होते हैं, मुल्क की हिफाजत कर रहे होते हैं और उनकी जान खतरे में होती है। जस्ट उसको यही पता था कि फौजी जो हैं वो कपड़े पहनते हैं और उनके शूज़ बड़े होते हैं, यही कहा है ना फरमान आपने। लेकिन जबकि आपको ये नहीं पता ना कि वो क्या कर रहे होते हैं, वो जंग लड़ते हैं और क्या मुल्क में जो होते हैं अगर कोई बैरूनी मुल्क हमला कर दे तो उसकी हिफाजत कौन करता है? फौजी करते हैं, हम नहीं करते, फौजी करते हैं। आप बड़े होंगे फिर आप करेंगे, ठीक है? चलें भाई, फरमान तो अभी से फौजी बनने के लिए तैयार बैठा है। बबलू मुझे लग रहा है फरमान और आपकी खूब जमने वाली। जी मैं भी डॉक्टर बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। खैर से कैसे तैयार है, कोई इंजेक्शन इंजेक्शन लिए तो नहीं चेहरे पे फिर रहे आप? जी जी बिल्कुल, मैंने सारा सामान ले लिया, एक छुरी भी ले ली है और एक वो सीजर भी। आप लोग बच के रहिएगा बबलू से, इसके पास सारे इंस्ट्रूमेंट है, पता चले आप ही लोगों का ऑपरेट स्टार्ट कर दे। ऐसा तो कोई प्लान नहीं है ना बबलू? नहीं नहीं, वो अभी शुरू करना है, मेंढक का ऑपरेशन करना है मैंने कल। हाँ मैं यही कहने वाली थी, आपके लिए बेहतरीन जो है ना शोभा वो यही है कि आप जानवरों के डॉक्टर बने, वो आपको बहुत सूट करेगा, है ना बच्चों? अरे बाजी आप मजाक उड़ा रही है लगता है मेरा। नहीं नहीं बबलू, आपको क्या लगता है कि मजाक वाली बात नहीं है, जानवरों के डॉक्टर भी बहुत काबिल होते हैं और उनको भी काबिलियत के लिए बहुत दिमाग चाहिए होता है डॉक्टर बनने के लिए। जी ठीक है, फिर मैं जानवरों का डॉक्टर बनूंगा। जी क्योंकि आपने मेरी बहुत सी स्टोरीज बच्चों सुन ली हैं और बहुत सी स्टोरीज के बारे में जो जानवर थे वो बबलू को सबका पता चल गया, सारा नॉलेज आ गया, तो मेरा ख्याल है बबलू जानवरों के डॉक्टर अच्छा बन लेंगे, ठीक है ना बबलू? जी चले मेरे बच्चों, बबलू का प्रोफेशन तो डिसाइड हो गया है, अब हम बढ़ते अपनी कहानी की तरफ। तो कहानी शुरू करने से पहले हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे, तो कहीं भी मच जाएगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, देखते रहे स्टोरी टाइम विद एलिया। आओ सीखे और सिखलाए, मिलके सोचे और समझाए, सभी देखें सबको दिखाए। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम विद एलिया, स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम विद एलिया। वेलकम बैक प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपको स्टोरी टाइम में खुशामदीद कहते हैं। तो जी बच्चों, हम सुनाने लगे थे आपको आज की कहानी, जिसका लिंक तो आपको समझ आ गया होगा, जिसमें हमें ये सोचना था कि हम बड़ों के क्या बनेंगे और ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें बड़ों के क्या बनना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने जो हमें सलाहियत दी है हमें उसको फॉलो करना है, लेकिन उससे पहले आपको इस बात के लिए आसानी तब होगी जब आप मेरी कहानी सुनेंगे। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, कहानी शुरू करूं? यस। खुश हैं आप सुनने के लिए? यस। जल्दी से एक जोर से स्माइल करके दिखाएं, ठीक है? और बबलू आप स्माइल करें। मैंने स्माइल कहा था, आपने दांत ही निकाल दिए, खैर कोई बात नहीं। अरे बच्ची मेरे तो दांत ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तभी करी, लेकिन आप बहुत लाउडली करते ना स्माइल का, मतलब जस्ट स्माइल, जैसे ये दुआ ने दी है, स्माइल करें दुआ, ये इसको कहते हैं स्माइल करना, ठीक है? आप करके दिखाएं। चले बच्चों, बबलू की स्माइल के साथ अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टोरी में आज ये है कि एक जंगल था और जंगल में एक था बहुत बड़ा सा तालाब। तालाब, तालाब पता है आपको क्या होता है? क्या होता है? जिसमें पानी होता है। पानी होता है, वेरी गुड। फरमान क्या होता है तालाब? तालाब होता है जिसमें पानी होता है, उसमें मछलियाँ भी होती है। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। अरे बाजी इन्हें नहीं पता, मैं बताता हूँ। लास्ट टाइम हमारे मुल्क में इतना तालाब आया था।
सैलाब और तालाब में बड़ा फ़र्क है कि सैलाब तब आता है जब बारिशें होती हैं और हमारी जो गटर लाइंस हैं वो ब्लॉकेज हो जाती है वहाँ पे, और सड़कों पे और रोड्स पे बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसको सैलाब कहते हैं। और अच्छा, तालाब जो होता तो उसी की वजह से हमारी सड़कें तालाब बन गई थी। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जब बारिशें होती हैं तो हमारी सड़कें और गलियाँ भी तालाब का ही मंजर पेश कर रही होती हैं, ये आपकी बिल्कुल ठीक है बात। क्या बात है, आपने क्या तालाब को सैलाब के साथ जोड़ा। जी शुक्रिया। बच्चों तालाब की बात हो रही है, यहाँ पे एक जंगल में एक तालाब था बहुत साफ सुथरा सा, बहुत प्यारा सा। तो उसमें रहती थी एक फैमिली। क्या फैमिली रहती थी? बत्तखों की फैमिली रहती थी। उस बत्तख और उस बत्तख का जो हस्बैंड दोनों रहते थे वहाँ पे, उनके घर होते हैं 3-4 बड़े खूबसूरत खूबसूरत से बत्तख के बच्चे, लेकिन एक अंडा लास्ट में रह जाता है। वो जब खुलता है बच्चों तो उसके अंदर से बड़ा अजीब सा बत्तख, कुछ लुक बत्तखों वाली होती है लेकिन वो बहुत काला सा होता है और बिल्कुल भी प्यारा नहीं होता है। तो बत्तख और उसका जो हस्बैंड थे वो दोनों उसको वहाँ छोड़ के वो कहते हैं तुम हमारे बच्चे नहीं हो, और अपने बच्चों को ले कि किसी और जगह चले जाते हैं। वो जो एक बच्चा वहाँ छोटा सा लेकिन उसका रंग उन बच्चों से मैच नहीं कर रहा होता, वो बहुत डिसअपॉइंट होता है कि अरे बाजी वो किसका, वो कव्वे का बच्चा था क्या? अरे नहीं नहीं, आप कव्वे का बच्चा नहीं, आप स्टोरी सुनिए, आपको सारी स्टोरी की समझ आ जाएगी। ठीक है, फिर मैं बताऊंगी कि आपने क्या बात की और आपने कुछ हद तक कहानी को समझ ली है। बबलू जी तो वाह है, क्या वाह वाह करनी चाहिए आपकी। जी बाजी मैं अक्लमंद हूँ, बस आप समझती नहीं मुझे। नहीं आप हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता समझदार हो रहे हैं, आखिर रोज कहानी सुनेंगे तो हो ही जाएंगे ना, हो जाएंगे ना। yes. आप मेरी कहानी सुन के अक्लमंद हो रहे हैं? yes. सीखने को मिल रहा है ना बहुत yes. कुछ। yes. बच्चों सारी बात मेरी है, मेरी कहानियों की वजह से। अरे नहीं बाजी, ये बच्चे मेरी वजह से सुनते हैं आपकी कहानी। बबलू की वजह से सुनते हैं, मेरी वजह से? आपकी वजह से। मेरी, ये देखिए कह रहे हैं आपकी वजह यानी बबलू। चले भाई बबलू की वजह से सुनते हैं, बबलू की वजह से आप स्टोरीज देखते हैं लेकिन स्टोरीज तो सुनते हैं ना। बस यही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि आप मेरी कहानियाँ सुनते रहें और देखते रहें और इसमें दिए गए मॉरल लेसन को अपनी जिंदगी में अप्लाई करते रहें। तो बच्चों कहानी की तरफ बढ़े थे, कहानी में जो था बत्तख का बच्चा जो कि बिल्कुल अकेला रह गया था, उसके पास कोई भी नहीं था उसको खाना देने वाला, उसको कुछ समझाने वाला, वो बिल्कुल छोटा सा था और उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी, वो बहुत रोना शुरू हो गया। रोते रोते उसने भी चलना शुरू कर दिया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके लिए सबब बन जाए। आखिरकार उसको एक किसान ने देख लिया, किसान जो कि बहुत अच्छा था। उसको जब वो छोटा सा बत्तख का बच्चा ब्लैक कलर का था वो उसको मिला तो उसने उसको पकड़ लिया और उसको अपने घर ले गया। उसके घर लेके गया तो उसको बहुत अच्छे से रखा, उसको संभाला, उसको खाने को दिया और उसके साथ बहुत प्यार किया। अरे भाजी आपने ये तो बताया नहीं किसान क्या होता है। किसान नहीं बबलू, किसान जो कि खेत में काम करते हैं ना, जो हमारे फसलें उगाते हैं, मिट्टी नरम करते हैं, खाद डालते हैं, बीज डालते हैं, पानी देते हैं और सुबह सवेरे उठ के ये सारा काम करते हैं बच्चों। अरे बाजी इसका मतलब है हम उसी की वजह से इतना खाना खाते हैं। जी बिल्कुल, उसकी वजह से हमें इतने सारे वेजिटेबल्स और इतने सारे फ्रूट्स जो मिलते हैं वो किसान की एफर्ट की वजह से मिलते हैं। आपको पता है किसान वो इंसान है जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। तो भाजी उनके पास तो बहुत फल होगा, मुझे किसान बनना चाहिए। चलें जी, अब आपका ना अभी स्टोरी के एंड तक ना आपके 3-4 मोटिव बन जाने, तो आप सोचते रहें, हम फिर देखेंगे कि आपको क्या क्या बनना है। ठीक है जी जी। चले बच्चों बबलू सोच रहे हैं, तब तक हम कहानी की तरफ बैठते हैं। उस किसान ने बत्तख को बच्चों इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि वो अपना जो दुख था वो आहिस्ता आहिस्ता भूलना शुरू हो गया। लेकिन जब वो बड़ा हो गया और क्योंकि उसको हर चीज़ मिल रही थी, खाने को भी मिल रहा था, तो स्लो स्लो वो बड़ा होना शुरू हो गया। हर जो इंसान है वो भी पैदा होता है तो छोटा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है ना। इसी तरह बत्तख का बच्चा भी जो पहले बहुत छोटा था जब वो पैदा हुआ था, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ वो बड़ा हो गया। जब वो बड़ा हुआ तो एक दिन उसे किसान ने कहा कि चलो आओ चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पे लेके जाता हूँ जहाँ जाके तुम बहुत खुश होगे। तो वो कहते हैं चलें ठीक है मैं आपके साथ चलूँगा। जब वो वहाँ उसके साथ जाता है तो वो किसान उसको पता है कहाँ लेके जाता है? कोई गैस करेगा? बबलू जी शॉपिंग मॉल। क्यों शॉपिंग मॉल कहाँ से आ गया जंगल में? अरे बाजी किसान तो नहीं ना जंगल में, वो तो शॉपिंग मॉल लेके जाएगा ना, उसे ढेर सारे कपड़े लेके देगा, उसे फल लेके देगा, उसे आइसक्रीम खिलाएगा, पिज्जा खिलाएगा, लेके जाएगा, सुबह उसकी कटिंग करवाएगा, उसका हेयर स्टाइल बनाएगा, उसको पेंट कोट लेके देगा, टाई लगाएगा, है ना बोलू? जी जी बिल्कुल।
मैंने तो कहा था हमारे साथ जीनियस बैठे होते हैं, हम ऐसे ही अपना फजूल में दिमाग लगा रहे थे, इंजीनियर से पूछना चाहिए कि क्या क्या होना चाहिए जी। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। वो किसान जो है उस बत्तख के बच्चे को लेके गया था एक बहुत ही बड़े तालाब, वो उस जंगल का सबसे बड़ा तालाब था, जो कि जिसका पानी ब्लू ब्लू कलर का, यानी साफ सुथरा पानी था। इर्द गिर्द बहुत प्यारे प्यारे पौधे लगे हुए थे, फूल थे, और वहाँ बहुत सारे बर्ड्स भी उड़ रहे थे। तो मॉरल ऑफ द लेसन समझने के लिए हमें जाना होगा एंडिंग पॉइंट पे, तो लेकिन उससे पहले हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे, तो कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहे स्टोरी टाइम में दिलिया। आओ सीखे और सिखलाए, मिलके सोचे और समझाए, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे, स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम दे लिया, स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम दे लिया। वेलकम बैक प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्टोरी टाइम में खुशामदीद। तो हम बच्चों कहाँ पे थे, हम थे अपनी कहानी के आखिरी हिस्से में, जिसमें कि हमें ये पता चलना था कि आया किसान बत्तख को क्यों लेके गया था तालाब में, और उसके लिए वहाँ क्या स्पेशल था। तो बच्चों जब वो वहाँ पहुँची है बत्तख वहाँ पर तालाब में जाके खड़ी हो गई, और उसको बहुत ज़्यादा, मतलब तालाब में जाके भी उसको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस नहीं हो रही थी, वो उदास ही। अरे बाजी, बत्तख को कहाँ खुशी मिलती है, बत्तख को तालाब में ही बच्चों खुशी मिलती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पानी को पसंद। आपने देखा ना बत्तख पानी में तैरती है, क्योंकि बत्तख के जो पर होते हैं वो उसको आगे बढ़ने में मदद देते हैं, और उसके जो पाँव होते हैं बच्चों नीचे से बहुत चौड़े से होते हैं, जिसके वजह से पानी को मछली की तरह उसको स्विम कर सकती है बत्तख, और वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है पानी में। जबकि बत्तख खुश्की में भी रह सकती है, लेकिन उसके आगे जगह पानी उसको दिया जाएगा, यानी पानी की पेश किया जाएगा, तालाब होगा या रिवर होगा या इस तरह की कोई जगह जो छोटी पानी की जगह, तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है। वो डूबती नहीं पानी, नहीं नहीं मैंने आपको यही तो बताया कि उसके पर होते हैं और उसके जो पाँव होते हैं वो इस तरह के होते हैं, नीचे से चौड़े से, वो आराम से ना पानी में स्विमिंग कर सकती है, और वो बहुत खुश होती हैं। अगर बत्तखों को तालाब में लेके जाए तो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। अरे वाह, फिर तो ये मछली हुई ना। नहीं नहीं ये बत्तख है, बबलू बत्तख है, अंडे देती है। ओ तो मछली भी तो अंडे देती है ना। अरे बबलू ये बत्तख है, मैं आपको क्या इसमें एक्सप्लेन करूँ कि ये बत्तख और ऐसा करिए आप स्क्रीन पे देख लें, इसको कहते हैं बत्तख। बच्चों ये होती है बत्तख। अरे बाजी ये तो डक है, डक। अरे वाह बबलू, आपको क्या ही बात हो गई, दिन में लगता है चांद तारे निकल गए हैं आज। आपको पता है कि बत्तख को इंग्लिश में डक कहते हैं, ये तो भाई आज तो मोर्चा हो गया। अरे बाजी मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप तो मानती नहीं है। हाँ हाँ बस आज मानना पड़ेगा, आज मुझे बहुत सी बातें बबलू की जो है ना माननी पड़ेंगी। बबलू को ये पता है कि बत्तख को इंग्लिश में डक कहते हैं। तो बच्चों भाई ये डक वहाँ पे उदास खड़ी थी, जबकि तालाब के पास थी, उसको तो खुश होना चाहिए, खूब इंजॉय करना चाहिए, पानी में जाके खूब स्विमिंग करनी चाहिए, लेकिन वो उदास थी। थोड़े ही टाइम बाद उस तालाब के पास से एक झुंड गुजर रहा था, जो कि था स्वान का। स्वान का पता किसी को क्या होते हैं? अरे बाजी ये सुलेमान कौन है? सुलेमान नहीं, स्वान बबलू, स्वान। स्वान भी बत्तख जैसा ही होता है, उसकी लुक देखने में कुछ बच्चों बत्तख जैसी होती है, लेकिन उसकी नेक थोड़ी सी लंबी होती है, लेकिन वो बत्तख से डिफरेंस होता है, उसको उसके रहने की जगह मुख्तलिफ होती है, और उसके मुख्तलिफ मतलब एक अलग टाइप की स्पीशीज़ है। अरे बाजी दिखाए तो सही, फिर वो कैसी है? हाँ हाँ मैं दिखाने ही लगी थी बबलू, कि आपने अच्छा किया याद कर दिया। बच्चों सब स्क्रीन पर देखें, ये होता है स्वान। ठीक हो गया, समझ आ गई है। चले भाई अब आपको पता चल गया कि डक कौन सी होती है और स्वाइन कौन सी होती है। तो भाई वहाँ से वो सबका एक झुंड, ये तो मुझे कव्वे की बहन लग रही है। हाँ हाँ कुछ इस टाइप की होती है, इसका कलर थोड़ा डार्क होता है, और बत्तख बड़ी खूबसूरत सी होती है, वाइट सी होती है, जबकि स्वाइन की भी एक किस्म वाइट होती है, लेकिन ये ब्लैक स्वान का वो जो मतलब था ग्रो। जब वो वहाँ से गुजर रहा था तो उस बत्तख ने कहा कि भाई उन्होंने बत्तख को वहाँ खड़े उदास देखा, और उनमें से एक स्वान बत्तख के पास आया और उसने कहा कि भाई तुम यहाँ पे क्यों उदास खड़े हो, तुम यहाँ पे इंजॉय करो, तुम अकेले खड़े यहाँ क्या कर रहे हो। फिर जब बत्तख से यानी बत्तख की दुखती रख पे उन्होंने हाथ रख दिया, तो वो बहुत उदास हो गया। उसको अपनी सारी स्टोरी याद आ गई कि उसके साथ क्या हुआ था, उसको उसके पेरेंट्स छोड़ गए थे सिर्फ इस वजह से कि उसका रंग ब्लैक है। तो वो सारा सारी की सारी अपनी स्टोरी जो है उस स्वान को सुना देता है। तो जैसे ही वो सुनाता है तो सारे स्वान खड़े ना हंसना शुरू हो जाते हैं, और अरे बाजी वो भी लगता है उसका मजाक उड़ा रहे थे। हाँ बिल्कुल इसी तरह बच्चों बत्तख ने भी सोचा, और उसने कहा कि आप भी मेरे रंग रूप का मजाक उड़ा रहे हैं। वो कहते हैं अरे नहीं नहीं हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं,
रहे हैं, बल्कि हम तो ये सोच रहे हैं कि आप अपने आप को बत्तख क्यों समझ रहे हैं। आप तो बत्तख है ही नहीं। क्या आप... मतलब बाजी? जी बबलू, वो डक नहीं था, वो स्वान था। तो वो इसीलिए सब हंस रहे थे कि तुम अपने आप को डक क्यों कह रहे हो। वो कहता है डक को, यानी वो जिस जो अपने आप को डक कह रहा होता है, वो कहता है तुम पानी के अंदर देखो तो सही तुम कौन हो। जब वो देखता है तो वो फील करता है कि मैं तो बिल्कुल इनके जैसा हूँ, जैसे कि ये लोग हैं। तो फिर उसको पता चलता है कि वो बेसिकली डक था ही नहीं, वो था ही स्वान। इसीलिए तो उसको कहीं भी खुशी नहीं मिल रही थी, जबकि आपको पता है कि स्वान जो होते हैं वेटलैंड्स में ज़्यादा खुश रहते हैं, और डक्स जो हैं पाउंड्स वगैरह में बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं। इसलिए उसको पाउंड्स में भी खुशी नहीं मिल रही थी बच्चों। तो इसलिए जब वो अपनी फैमिली से मिला तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और उसको पता चला कि उसको अल्लाह ताला ने किस लिए पैदा किया था, और उसके अंदर जो एबिलिटीज़ थी वो क्या थी। तो उसको बड़े होकर अब क्या बनना था उसको समझ आ गई बच्चों। तो ये अब हमारी स्टोरी होती है ख़त्म, और हमें अपने बच्चों से पूछना है कि उनने इस कहानी से क्या सीखा। बच्चों आप बताइए, क्या सीखा आपने इस कहानी से? अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए। अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए, वेरी गुड। अरे भाजी मैं बताऊँ इसका मोरल? जी जी मैं आ ही रही थी आपकी तरफ। आज तो आप ड्राई देते हैं, इतना लाउड बोलते हैं, क्या क्या भी समझ आइए बताएं जरा। अरे भाजी मेरे मेरे जहन में जो समझ आता है ना, बच्चों को पता ही नहीं है कि असल लेसन होता क्या इसमें। मैंने तो कहा था ना हमारे पास कहाँ वो दिमाग, बताइए क्या समझ आइए आपको। मुझे इसमें ये समझ आई है कि हमें बड़े होके समान बनना चाहिए। वेरी गुड, मैंने तो कहा था जो बबलू को समझ आई है वो हमें आ ही नहीं सकती। आपको बड़े होके स्वान बनना है, ठीक है? जबकि बच्चों हमें बिल्कुल स्वान नहीं बनना, जो अल्लाह ताला ने हमें बनाया है हमें वही रहना है। लेकिन अपने अंदर जो दी गई सलाहियतें हैं उनको समझना है, और उसको समझ के अपने जो प्रोफेशन है उसको चूज़ करना है। आई होप सो आपको आज की हमारी कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मैं फिर नई कहानी के साथ हाजिर होंगी। तब तक मुझे, बबलू और बच्चों को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आओ सीखे और सिखलाए, मिलके सोचे और समझाए, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम विद डेलिया। स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम विद डेलिया।